दोस्तों, हम एक्सेल में कोई भी वर्क करते हैं तो उसमें हमें आधार नंबर या मोबाइल नंबर टाइप करने की ज़रूरत पड़ती है। और जब आधार नंबर और मोबाइल नंबर हम डालते हैं तो उसमें ऐसा कभी स्पेस रहा, मतलब 4739882592020 ऐसा जो 4-4 डिजिट का जो नंबर होता है उसमें हमें उसके बीच में हमें कैसे स्पेस देना है, मतलब जो स्पेस दिया तो वो रीड करना ईजी हो जाता है। जैसे मोबाइल नंबर का भी देख लो आप, जैसे मोबाइल नंबर के बाद हम यहाँ पे स्पेस हमको यहाँ पे देना है तो वहाँ पे दे सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जिसमें हमें ये ट्रिक करना है तो उस सेल को हमें पूरी तरह से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल 1 दबा सकते हैं, यहाँ पे भी हम जो फॉर्मेट सेल है ओपन हो जाता है, लेकिन हमें ये शॉर्टकट की है, लेकिन हमें जो लीगल तरीके से जाना हो तो हम यहाँ से ओके कर देंगे। यहाँ से राइट क्लिक करके हम फॉर्मेट सेल में चले जाएंगे। यहाँ पे फॉर्मेट सेल का ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाता है। यहाँ पे हम जाएंगे कस्टम में, और कस्टम में आने के बाद यहाँ पे जो टाइप है और टाइप में हम टाइप करेंगे 4x0। 4x0 हो गया, डबल स्पेस देंगे 1 2 3 4, 4x स्पेस हो गया, 0 हो गया, डबल स्पेस हो गया 1 2 3 4। अब यहाँ पे जैसे ही ओके करेंगे यहाँ पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसके बीच में हमें स्पेस आ जाएगा। वैसे हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम शॉर्टकट यूज़ करेंगे, अभी Ctrl+1 दबाएंगे, यहाँ पे कस्टम में जाएंगे और टाइप में यहाँ पे जो जनरल है इसे इरेज करके यहाँ पे 1 2 3 3 वर्ड के बाद हमें स्पेस देना है। तो यहाँ पे डबल स्पेस देंगे 1 2 3, डबल स्पेस देंगे 1 2 3, यहाँ पे दे देंगे, यहाँ पे हम ओके कर देंगे। जैसे हम ओके करेंगे और नीचे यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो डायरेक्टली वो यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसे लगा कमेंट कर देना, अगर अच्छा लगा लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना।